A'uz Rajim. Bismillah rahim Hello, viewers. Uh, we are uh, going to share about the effects of self-management, and these are uh, very related with the competencies of self-management. And uh, it is uh, uh, very worthwhile to see that uh, we see the self-disciplinary management, and apne apke andar ham kuch aise task. इतनी तरतीब के साथ जो वेरी नेसेसरी एक्शंस हैं उनको हम यानी उसकी जो पहले काम करने वाले हैं उसकी प्रायोरिटीज़ के मुताबिक हम कर रहे हैं और हम उसमें टाइम की पाबंदी भी कर रहे हैं टाइम कंप्लीशन भी देख रहे हैं तो ये हम अपने सेल्फ डिसिप्लिन uh, को एस्टेब्लिश कर रहे हैं दिस ऑल इज़ लीडिंग टू वर्ड्स टू एस्टेब्लिश अवर ओन हैबिट्स एक्शंस और हमारी जो पर्सनल स्किल्स हैं वो भी उसमें इस्टेब्लिश हो रही होती हैं हम टास्क के साथ साथ अपने आप के अंदर भी तब्दीली ला रहे होते हैं और ये भी हम देखते हैं कि कुछ रिजिस्टेंट इम्पल्स हैं। यानी हम करना चाह रहे हैं कुछ चीज़ें हमें रुकावट के तौर पर सामने आती हैं और हमने उसको ओवरकम करना होता है और वो हमारी इंटरनल एबिलिटीज भी हैं हम काम करना चाह रहे हैं लेकिन यह है कि हम यानी नींद का गलबा है या कोई और वजह है तो उसके पीछे जो रीज़न है हम उसको किसी और तरह से रिमूव करने की कोशिश करेंगे और हम इस फैक्ट को जान लेंगे कि हमारी टास्क प्रोफिशंसी डिस्टर्ब हो रही है तो इसका मतलब है कि फिजिकली वी आर नॉट एस्टैब्लिशिंग पोर्स एप तो हम उसको कंप्लीट करते हैं और उसको यानी मशवरा ये है कि हम आ, अपने उन एक्शंस को ओवरव्यू करते हैं और उसमें जो चीज़ें करने वाली हैं वो यकीन अमल दरामद करते हैं और उससे ये होगा कि हम थ्रू आउट कंप्लीशन की तरफ बढ़ते हैं और उसमें जो रुकावटें आ रही हैं उनको कम करने की कोशिश करते हैं और उसके साथ जितने भी रिलेटेड फोर्सेस हैं या जो उसको रुकावट बन रही हैं उनको रिमूव करने की कोशिश करते हैं और उसमें हम ये भी देख रहे होते हैं कि हम सेल्फ डिसिप्लिन को देख रहे होते हैं कि हम जो टाइम uh, मुकर करते हैं क्या हम उस टाइम पर पूरा उतरते हैं और जो हमारे जहन में एक टारगेट टाइम होता है क्या हम उस टारगेट के अंदर अपने उस टास्क को मुकम्मल कर रहे होते हैं तो ऑल ओवर द थिंग्स वी आर टू सी ओवर और रादर वी गाट डिस्ट्रैक्टेड इफ़ वी गाट डिस्ट्रैक्टेड तो हमने उस बात को इंश्योर करना है कि वो डिस्ट्रैक्शन मिनिमाइज हो बल्कि जहाँ तक मुमकिन हो हम उसको रिमूव कर सकते हैं और इसी तरह सेल्फ मैनेजमेंट है और सेल्फ़ मैनेजमेंट के अंदर आ, हम आ, ये देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें वक्फे वक्फे के साथ रिपीट हो रही होती हैं अच्छी चीज़ें भी रिपीट हो रही होती हैं अगर हमने गलतियों को नहीं देखा नहीं उसको ठीक करना चाहा तो फिर यह कि वो भी रिपीट हो रही होती हैं और आ, आ, लेकिन अगर हम गलतियों को ठीक करने के आदि हों तो फिर वी आर एबल टू कंटिन्यूसली इम्प्रूव द थिंग्स और हम बहुत सारी अपनी एबिलिटीज के अंदर तब्दीली ला सकते इसमें हम आ, एक कंटिन्यूस परसुट्स हैबिट यानी चीज़ों को देखना मॉनिटर करना उनको ठीक करना अगर हम ने अपने अंदर ये एबिलिटीज डेवलप कर ली तो इसके असरात हम देखेंगे कि हम अपना एक्डेमिक टास्क कर रहे हैं वहाँ भी ये एबिलिटी uh, कार फरमा होगी हम अपने सोशल टास्क को देख रहे हैं वहाँ भी और हम अपने सेल्फ एबिलिटी सेल्फ पोटेंशियल को देख रहे हैं उसमें भी ये पोटेंशियल जो है ना कि uh, हमारे लिए uh, मुफीद साबित होता है और इसी तरह पर्सनल स्किल्स कॉम्पिटेंसीज और इसमें टैलेंट एंड नॉलेज एवरी थिंग इज़ बींग इन्वाल्व इन इम्प्रूवमेंट ऑफ अवर सेल्फ और इसमें सेल्फ केयर मैनेजमेंट जो है ना वो इन्वॉल्व uh, है जिसमें हम uh, नई चीज़ों को अडाप्ट करते हैं नई अपॉर्चुनिटीज को देख रहे होते हैं और वो तभी देख सकते हैं जब हमारे अंदर हैबिट हो हम अपने आप को डिसिप्लिन uh, किए हुए हो फिर हम नई चीज़ों की तरफ जा सकते हैं अदरवाइज़ यह है कि हम गलतियों को देखते नहीं हैं गलतियाँ जो है ना वो हमारे प्रोजेक्ट और हमारे उस पूरे प्रोसेस के अंदर एक स्लो मॉट डेवलप कर देता है तो स्लो मॉट डेवलप करने के जो अवामिल हैं उसको हमें कंट्रोल करना है और साथ साथ अगर हम कंट्रोल करते जाएंगे तो वी आर इम्प्रूविंग और हमारी प्रोडक्टिविटी का रेट जो है ना वो अप हो जाता है और फिर ये कि कुछ ऐसी यानी अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट्स हैं कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हैप हैज़र्ड डेवलप हो जाती हैं हमारे जहन में कमोकुमान में भी नहीं होता तो कुछ गलतियां जो है ना वो इस तरह से हो जाती हैं जिसके ऊपर हमें नज़र रखनी है और उनको साथ साथ रिमूव करते जाएं उसको मैनेज करते जाएं अदरवाइज़ यह है ओवरऑल हमारा प्रोजेक्ट जो है ना वो टाइम कंज्यूमिंग होगा और उसकी प्रोडक्टिविटी और उसकी परफॉर्मेंस जो है ना वो उस तरह से नहीं होगी जिस तरह से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और इसमें हम जो चीज़ें हाईलाइटेड हैं जो इम्पोर्टेंट हैं उनको हम यह है कि वी टू स्टीयर इट अप एंड वी टू फॉलो इट अप और हम उसको पूप अप करने की कोशिश करते हैं बहुत शुक्रिया